नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशि और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्वास्थ्य सेहत है। दोस्तों आज हम बनाएंगे बहुत ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपी, वह है स्प्राउट्स की चाट। ये चाट प्रोटीन, विटामिन और फाइबर से भरपूर है। अगर आपका विटामिन B12 कम है तो ये आपके लिए एक परफेक्ट रेसिपी है। इस चाट को अगर रोज सुबह नाश्ते में लेते हैं तो इससे आपका वजन भी कम होगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि प्रोटीन से वजन बहुत जल्दी कम होता है। तो चलिए दोस्तों ये स्प्राउट्स की चाट की रेसिपी शुरू करते हैं। पहले इस रेसिपी के लिए सामग्री देख लेते हैं। एक बड़ी कटोरी स्प्राउट्स, जिसमें है मूंग, मोठ और काला चना, जिसे मैंने रात भर पानी में भिगो दिया था। दोस्तों इन सभी दालों को मैंने एक साथ ही भिगोया था। सुबह सभी दालों का पानी निकालकर सूती कपड़े में बांधकर 12 घंटे के लिए छोड़ दिया था। 12 घंटे के बाद दालों में इस तरह से अंकुर फूट गया है। गर्मी के मौसम में स्प्राउट्स बहुत जल्दी बन जाते हैं, सर्दी में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। चलिए बाकी की सामग्री को देख लेते हैं। आधी गाजर, आधा खीरा, एक टमाटर, एक प्याज, एक नींबू, दो हरी मिर्च, थोड़े से धनिया के पत्ते, चाट मसाला पाउडर, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल और हिमालयन पिंक सॉल्ट। दोस्तों हिमालयन पिंक सॉल्ट भी वजन कम करने में मदद करता है। सबसे पहले एक पतीले को गैस पर गर्म होने के लिए रखेंगे। गैस की फ्लेम को ऑन कर देंगे। पतीले में 2 गिलास पानी डाल देंगे। अब पतीले के ऊपर एक छन्नी को रख देंगे। आपके पास इस तरह की कोई छन्नी वाली प्लेट हो, या इस तरह की छन्नी, या आटा छानने वाली छन्नी, इनमें से जो छन्नी आपके पास अवेलेबल हो उसे ले सकते हैं। अब छन्नी को पतीले के ऊपर रख देंगे। अब छन्नी के अंदर स्प्राउट्स को डाल देंगे और अच्छे से फैला देंगे, जिससे भाप में अच्छे से स्प्राउट्स पक जाएं। अब छन्नी को ढक देंगे, उसे 3 से 4 मिनट तक पका लेंगे। जब तक स्प्राउट्स पकते हैं चलिए सब्जियों को काट लेते हैं। प्याज को बारीक काट लेंगे, इसी तरह से खीरा काट लेंगे, फिर गाजर, टमाटर, हरी मिर्च तथा हरा धनिया, सभी सब्जियों को काट लेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ हमने सभी सब्जियों को काट कर तैयार कर लिया है। हमारे स्प्राउट्स भी भाप में पक गए हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, स्प्राउट्स को हल्का सा ही पकाना है, उसे गलाना नहीं है। आप चाहे तो इसे कच्चा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों को कच्चा स्प्राउट्स पसंद नहीं आएगा, इसलिए इसे हम भाप में पका रहे हैं। इससे बच्चों को ज़्यादा चबाना नहीं पड़ेगा और वो आसानी से इसे खा पाएंगे। तो दोस्तों स्प्राउट्स तैयार है, अब गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। अब एक मिक्सिंग बाउल लेंगे, उसमें स्प्राउट्स को डाल देंगे। अब बाउल में प्याज, खीरा, हरी मिर्च यानी सभी कटी हुई सब्जियों को डाल देंगे। अब बाउल में 1 चम्मच चाट मसाला पाउडर, 1 चम्मच हिमालयन पिंक सॉल्ट और 1 चम्मच ऑलिव ऑयल को डाल देंगे। सभी सामग्री को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 1 नींबू निचोड़ देंगे। तो तैयार है स्प्राउट्स की चाट। चलिए दोस्तों इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। वाह, बहुत ही हेल्दी, प्रोटीन रिच और विटामिन और फाइबर से भरपूर चाट बनकर तैयार है। इसे आप नाश्ते में खा सकते हैं या सलाद के रूप में भी खा सकते हैं। दोस्तों इस स्प्राउट की चाट को बनाइए और पूरे परिवार को स्वाद और सेहत से भरपूर जिंदगी की तरफ ले जाइए। दोस्तों आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।